सिनेमा इस हफ्ते के आज के अंक में हम आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र के शानदार प्रदर्शन से रूबरू कराते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बेहतरीन विजुअल और एक से बढ़कर एक सितारों से सजी फिल्म में सभी किरदारों ने अपने अभिनय से समा बांध रखा है। अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही कमाई के लिए रिकॉर्ड बना रही है। 9 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ से लेकर हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने देश ही नहीं विदेशों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। शिवा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। रिलीज के चंद दिनों के भीतर ही फिल्म ने दुनिया भर में करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बेहतरीन विजुअल और एक से बढ़कर एक सितारों से सजी फिल्म में सभी किरदारों ने अपने अभिनय से समा बांधा है। फिल्म हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित होते हुए भी उत्तम तकनीक के साथ आधुनिकता को पेश करती है। फिल्म की कहानी रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए शिवा के इर्द गिर्द घूमती है जो आग से अपने अनोखे रिश्ते के साथ यात्रा पर निकलता है। वहीं आलिया भट्ट ईशा की भूमिका निभाती है। इनके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं फिल्म में शाहरुख खान ने कैमियो किया है। अमिताभ बच्चन ने गुरुजी के रोल में शानदार अभिनय किया है। वहीं अनीस के किरदार में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन और मोहन भार्गव के किरदार में अभिनेता शाहरुख खान ने अपने अभिनय का दमखम एक बार फिर पेश किया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र को 3 कड़ी में पेश किया जाना है। इसके पहले हिस्से ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में शिवा की कहानी पेश की गई है। अब दूसरे हिस्से में ब्रह्मदेव यानी देव की कहानी दिखाई जाएगी। कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट बेहतरीन है। पहला पार्ट जिस दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म हुआ है दर्शकों में बेसब्री बढ़ा दी है। फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी ने अपनी कल्पना के जरिए शस्त्रों का जो संसार रचा है वो अद्भुत है। इसमें शिवा, अनीस, मोहन, गुरुजी और जुनून जैसे किरदार फिल्म को धार देने का काम करते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मौसम की ओर।